हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है सब्जेक्ट नोट्स, जहां हम बैंकिंग, एसएससी और स्टेट लेवल में जो स्टैटिक वाला पोर्शन पूछा जाता है उसे डिस्कस करते हैं। और इसी सीरीज को बढ़ाते हुए आज हम जो ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है FATF। तो जो ऑर्गेनाइजेशन आज हम करेंगे वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो एक कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलता है, पेरिस, जो किसी कैपिटल है, फ्रांस की। अब पेरिस में आपको और कौन कौन से हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ आपको यूनेस्को और OECD का हेडक्वार्टर, और यहाँ पे पेरिस में फ्रांस में ही आपको एक जगह देखने को मिलती है लियोन, जहाँ पे आपको किसका हेडक्वार्टर देखने मिलता है, इंटरपोल, जिसकी जो 2022 की समिट है वो कहाँ पे होगी, इंडिया में। तो इसको आप करंट के साथ ऐसे रिलेट करके चल सकते हैं। अब इसके हेड कौन है, वो है मार्कस, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, जर्मनी से। कई बार ऐसे पूछा जा सकता है कि अगर जो इनके हेड हैं FATF के, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये करते हैं जर्मनी से। अब इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1989 में। और किसने इसे फॉर्म किया था, तो G7 ग्रुप है उसने इसे फॉर्म किया था। और अभी हाल ही में 2020 में जो G7 का समिट होना था, ये होना था USA में, लेकिन इसे अभी डिले कर दिया था ट्रंप ने। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था कि इनको G7 जो अभी कंट्रीज़ हैं, ये इसे G11 बनाना चाहते हैं। और ये कौन कौन सी कंट्रीज़ को इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं, तो वो है इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। हमें ये इसलिए याद करना है क्योंकि इसमें इंडिया को भी इंक्लूड करने की बात कही गई है। रशिया पहले भी G7 का पार्ट था, लेकिन 2014 में यहाँ पे कुछ क्रीमिया के साथ इनका कोई सीन हो गया था, तो इसलिए वहाँ उसको 2014 में बाहर कर दिया था इससे। अब इसके जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं, वो टोटल आपको देखने मिलेंगे 39। 39 में से जो 37 हैं वो हैं ज्यूरिडिक्शंस वाले, और दो हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब जो ज्यूरिडिक्शन होता है, इसका मतलब क्या होता है, जो कानून, जो पावर जो कंट्रीज बना सकती हैं, जिनके हाथ में है, वो होता है ज्यूरिडिक्शन। उसका मतलब होता है जो पावर बना, जो कानून बना सकती हैं, लॉ और जितने भी हैं वो। और जो दो हैं वो कौन, जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन कौन सी है, वो है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल और यूरोपियन काउंसिल। ये जो होती हैं ये ऑब्जर्वर की तरह काम करती हैं, एज सच इसमें पार्ट नहीं ले सकती हैं। अब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इसे क्यों बनाया गया, क्या ज़रूरत पड़ गई FATF को बनाने की, तो इसको बनाया गया था मनी लॉन्ड्रिंग के लिए स्टार्टिंग में। अब मनी लॉन्ड्रिंग से क्या मतलब है, सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें, जो काला धन होता है उसे जो लोग वाइट में कन्वर्ट करते हैं ना, उसको रोकने के लिए इसे बनाया गया है। और 2001 में इसमें क्या इंक्लूड किया गया, टेररिज्म फाइनेंसिंग, मतलब जो कंट्रीज़ टेररिज्म या आतंकवाद को फाइनेंस करती हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, ये बहुत ज़्यादा फेवर करती है उनको, जो टर्की साइड हो गया और जो ईरान वगैरह हो गए, वो कंट्रीज़ जो कंट्रीज़ इनको वो करती हैं, फेवर करती हैं टेररिज्म को और बढ़ावा देती है, उस चीज़ के लिए पैसा देती हैं, ये उनको उनके साथ डील करता है। और जो काले धन को जो सफ़ेद धन में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, उनको रोकती है। अब इसमें आपको मेनली दो टाइप की लिस्ट देखने को मिलती हैं, एक है ग्रे लिस्ट और एक है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट जो होती है उसमें अभी रिसेंटली जो कंट्री बाहर गई हुई है वो आप पूछ सकते हैं आपसे, वो है श्रीलंका। और स्टिल जो ग्रे लिस्ट में बनी हुई है वो है पाकिस्तान। अब जब ग्रे लिस्ट में अगर और ब्लैक लिस्ट में जो कंट्रीज़ होती हैं, अभी ब्लैक लिस्ट में इसमें नॉर्थ कोरिया और ईरान आपको देखने को मिलेगा। अब इसका क्या मतलब है कि ये ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट का, तो जो कंट्रीज़ ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में होती हैं, जो ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, जो ऑर्गेनाइजेशन हमें लोन प्रोवाइड करती हैं ना कंट्रीज़ को, जैसे डेवलपमेंट के लिए, जैसे अभी COVID-19 चल रहा है, तो आप कई बार आपने सुना होगा कि जो मॉनेटरी फंड है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसने हमें इतना, इंडिया को इतना लोन प्रोवाइड किया है। तो जो लोन है, अगर इंडिया भी इसका पार्ट होती ना, तो हमें वो लोन लेने में दिक्कत होती। अब पाकिस्तान को इतनी इजीली लोन किसी भी चीज़ के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ग्रे लिस्ट में आती है। और ब्लैक लिस्ट में आपने बहुत कम सुना होगा कि नॉर्थ कोरिया और ईरान को कोई, जो ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये लोन प्रोवाइड करती हैं। तो बस एक यही रीज़न था कि इन चीज़ों को बनाया गया, ये लिस्ट प्रोवाइड की, इनको लगता है अभी भी कि जो पाकिस्तान है, ये जो टेररिज्म या जो आतंकवाद है, इसे बढ़ावा दे रहा है, या ये मेनली इन्हीं इसी वजह से है, क्योंकि इनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा फेवर करता है टेररिज्म या आतंकवाद को। अब ये था सारा FATF का
जितना हमने पढ़ा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अब एक नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ।